बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वफाकी मुलाज़मीन के लिए खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, गोमगो की कैफियत भी ख़त्म हो गई। कभी कहा जा रहा था कि एडहॉक रिलीफ में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा तनख्वाहों में, कभी कहा जा रहा था कि हुकूमत के पास पैसे नहीं। बिल आखिर फेडरल गवर्नमेंट ने आफस मेमोरेंडम मुअरखा 10 जुलाई 2024 जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2024 से लेके टिल फर्दर ऑर्डर्स एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 सैंक्शन किया गया है टू ऑल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉज, आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल, सिविल आर्मर्ड फोर्सेस एंड सिविल एम्प्लॉज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और साथ ही सिविलियन एम्प्लॉज एम्प्लॉयड अगेंस्ट सिविल पोस्ट इन बेसिक पे स्केल्स ऑन स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, यानी कंटिजेंट स्टाफ को भी ये मिलेगा। बेसिक पे स्केल नंबर 1 से 16 तक के लिए 25% ऑफ द रनिंग बेसिक पे, और स्केल नंबर 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए या अफीसरान के लिए 20% ऑफ द रनिंग बेसिक पे। रनिंग बेसिक पे से मुराद ये है कि जो स्केल की इनिशियल स्टेज है उसमें जितनी इंक्रीमेंट्स अर्न कर रखी हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लाई ने, और उसके अलावा अगर मैक्सिमम के बाद उसको कोई पर्सनल पे भी मिल रही थी तो वो भी बेसिक पे का हिस्सा होगी, यानी रनिंग बेसिक पे में शुमार हो गई। कंडीशंस सबका सालों वाली हैं कि इस पर इनकम टैक्स लगेगा और ये अलाउंस छुट्टियों और LPR के दौरान मासवाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EUL में नहीं मिलेगा, बाकी में मिलेगा। विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ अमालमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ग्रेजुटी एंड रिकवरी ऑफ हाउस रेंट। ये भी सबका वाली है, ये उन एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा जो डेपुटेशन या पोस्टिंग अब्राड हैं। हाँ, अलबत्त जब वो पोस्टिंग अब्राड से वापस आएंगे तो फिर उनको जिस डेट से वो आएंगे उसी डेट से दे दिया जाएगा, ये शुमार करते हुए कि जैसे वो पोस्टिंग अब्राड गए ही नहीं थे। अब 3 नंबर पैरा में द टर्म बेसिक पे फॉर द पर्पज ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द पर्सनल पे ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट्स बियॉन्ड द मैक्सिमम ऑफ द एग्जिस्टिंग पे स्केल। द अबव एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 शैल बी अकोमोडेटेड विद इन द बजट प्रोविजंस या एलोकेशन, जो 2024-25 का बजट है उसी में से इसको मीट विद किया जाएगा, इसके लिए कोई एडिशनल ग्रांट नहीं दी जाएगी। दोस्तों, तमाम हाजिर सरकारी मुलाजमीन को बहुत बहुत मुबारक। गो के इजाफा महंगाई के हिसाब से नहीं हुआ बल्कि इजाफा के साथ साथ इनकम टैक्स रेट बढ़ा के अजाफे की अफादियत को कम किया गया है। अलबत्ता कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ मरहमत फरमाए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।